चलिए दोस्तों, डे आउट इन लंदन। देखो भाई लंदन के नज़ारे है दोस्तों, आपको आज लंदन के नज़ारे दिखाएंगे, तो बने रहिए। बिग बैन, पार्लियामेंट स्क्वायर, पार्लियामेंट हाउस एंड द बिग बिग बिल्डिंग्स हियर, और ये है नदी थेम्स। वो ऊबर बोट, ऊबर टैक्सी। हाँ भाई, आज ऋषि सुनक ने बुलाया चाय पे, तो वहीं जा रहे हैं। ये भैया थेम्स रिवर, थेम्स रिवर। ये देखो आज थोड़ा सा मौसम ख़राब है भैया, पर नज़ारा लो। हाँ, अपने अपने दर्शकों के लिए बना रहा हूँ ना यार वीडियो संजय कर। थेम्स काले काले। क्या हो गया भैया, सभी का बुरा हाल है इस वक्त। भैया रिक्शा भी है, इलेक्ट्रॉनिक का जमाना आ गया। भैया रिक्शा भी है, रिक्शा लेनी है, रिक्शा भी ले सकते हो भाई। 45 pounds किसका? 1 घंटे का टाइप की रिक्शा है, इको रिक्शा। अच्छा नहीं नहीं टाइप की रिक्शा भाई। बहुत भीड़ है आज तो, ये चर्च है इधर। ऋषि सुनक जी का घर पास में ही है, तो उससे भी मिल के आना है। ठीक है, वेट कर रहे होंगे भाई, चाय पे जो बुलाया है। तो देखिए बिग बैन, उसका वो आया दो मौजूगी बाइक लगता रही, क्यों ऋषि जी ने उनको बताया नहीं हम आने वाले थे। चलिए भाई, लगता है, मैं कह रहा हूँ भाई, लगता है ऋषि जी ने बताया नहीं हम आने वाले थे। चार चार पकौड़े का मौसम होता है, चलते। Bottom of the
तगड़ी दूरी करने दे जो कर। हाँ भाई ये है नेल्सन कॉलम, ये है ट्रफाल्गर स्क्वायर, भाई इस तरफ आ जाओ, सामने जो है नेशनल गैलरी, ट्रफाल्गर स्क्वायर जाना। अच्छा ये फाउंटेन तो बंद कर रखे हैं, मौसम के बावजूद इतना मेला लगा हुआ है आज सेंट्रल लंदन में। चलो आपको पिकेटली सर्कस दिखाते हैं, लोग ऐसे भी कमाते हैं अपनी दाल रोटी फाटी पापी पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है। हाँ तो भाइयों ये है दुनिया का सबसे फेमस पिकेटली स्क्वायर, यहाँ पे सारी बहुत सारी बॉलीवुड की फिल्म भी शूट होती हैं। तो देखिए इतना लोग, इतनी जमघट, इतना मेला लगा हुआ है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। वाह जी वाह, लंदन का मेला, लंदन की मौज। टावर ऑफ लंदन वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो मैं आप पॉज करके देख सकते हैं इसको, ये ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, 1070 में बनाया था। तो ये है जी टावर ब्रिज, फेमस टावर लंदन के साथ वर्ल्ड फेमस लंदन ब्रिज, और ये है लंदन की स्काईलाइन। फेमस रेस्टोरेंट दिल्ली का है। हाँ यहाँ है तो उसके लिए हाई टी फेमस, और हाई टी है। हाउ मच वाज इट? I don't know, उसने पे किया था बर्थडे प्रेजेंट बालूची। अरे वाह, ये तो उसको दिया था वो। तो ये है ललित होटल, ये इंडियन का है किसी का,
मेरे को पहली बार ही पता लगा। ये कितनी प्यारी बिल्डिंग है, फायर पुराना फायर ब्रिगेड स्टेशन जिसको अब इन्होंने रेस्टोरेंट बना दिया है। तो लंदन में ये बहुत ख़ास बात है कि जो बिल्डिंग्स हैं बहुत ब्यूटीफुल हैं और बहुत हिस्टोरिक हैं, जिनको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया। लंदन ब्रिज स्टेशन, यहाँ से हम घर के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। तो पब है,